हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। विनोद जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नमस्कार सभी मीडिया दर्शकों को और इस सभी चैनल के श्रोतागण को, और विनोद यादव भोजपुरी अभिनेता का प्यार भरा नमस्कार। जी, आपकी फिल्म आ रही गुंडा जो काफी चर्चाओं में है, क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? जी, मेरी पहली फिल्म गुंडा रिलीज हो रही है, जल्द आप लोग के बीच में आ रही है 6 सितंबर को। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी दर्शकों से और सभी भोजपुरी दर्शकों से, भोजपुरी परिवार से, कि मेरी पहली फिल्म गुंडा को आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाकर देखिए और देखने के देख सब प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और इस मेरी पहली फिल्म को सफल बनाइए। जी, फिल्म के कलाकारों के बारे में जानना चाहूँगी, आपके साथ फिल्म कौन कौन से कलाकार हैं? मेरे इस पहली फिल्म में जो मेरी गुंडा है उसमें मेरे अपोजिट जो एक्टर्स हैं, हीरोइन हैं और भोजपुरी की हार्ट के कहे जाने वाली अंजना जी हैं जो मेरे साथ हैं, काम किया उन्होंने। और इसके अलावा सिकंदर खान जी हैं और गुंजन पंत जी हैं, सुशील सिंह जी हैं, अयाज खान जी हैं, एहसान खान जी हैं। ऑल ओवर टीम मजबूत है और भोजपुरी के सभी स्टार्स हैं जो जिनके साथ मैंने काम किया और सभी लोग। जी, अंजना जी के सब बारे में कुछ कहेंगे, काफ़ी सीनियर है आपसे, क्या क्या सीखने मिला है आपको? अंजना जी ने बहुत कुछ दिया मेरे को इस फिल्म में, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, एक तो बखूबी निभाया और दूसरा रिस्पॉन्स भी मेरे को ट्रेलर में सॉन्ग में भी मिल रहे हैं। और मैं उनका एक तरह से मैंने बहुत सारी सीखा कि मैंने मुझे कैसे अपने, मेरी पहली फिल्म थी लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि सभी का कॉरपोरेशन था अंजना जी के साथ में, मेरे टेक्नीशियंस के, मेरे डायरेक्टर के, मेरे डांस मास्टर के, मैं सभी का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे हर तरह सपोर्ट किया। और उसमें जो किंग सपोर्ट किया उन्होंने, मेरे अपोजिट एक्टर अंजना जी ने किया, और गलतियों पर झगड़ा भी होता था, बताती भी थी, समझाती थी, मैं उसे एक्सेप्ट भी करता था और मैं उसे काम भी करता था। और आज शायद उनको भी अच्छा लगता होगा कि आज उनका डांटना मेरे लिए, बोलना और गुस्सा होना, नाराज होना, हम दोनों के लिए बहुत अच्छा हुआ। जी, और शूटिंग कहाँ कहाँ की गई है फिल्म की? इस गुंडा की फिल्म पूरी उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में की गई और जिसमें डिफरेंट लोकेशन दानगंज, चोलापुर, पशुपतिनाथ, अदर पूरे बनारस में किया गया, पूरी शूटिंग बनारस में कम्प्लीट हुई है। जी, अक्सर बहुत सारी जो फिल्में हैं वो बनारस में शूट की जाती है, क्या वजह है कि लोकेशन बनारस? जी, बनारस ऐसा है, उत्तर प्रदेश का एक भोजपुरी का जो एक बेल्ट है, बनारस और बिहार ये सब टच करता है एक साथ में, और वहाँ की जो पब्लिक है पूरी भोजपुरी को पसंद करती है। और जैसे गोरखपुर हुआ, मैं गोरखपुर का रहने वाला, तो वहाँ भी भोजपुरी की एक बहुत अच्छा बेल्ट है, बनारस भी अच्छा बेल्ट है, तो एक बनारस, बिहार, पटना और आपके गोरखपुर जो एक भोजपुरी का क्रेज है वहाँ पर मिलता है, तो रिस्पॉन्स मिलता है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ जहाँ पर क्रेज मिलेगा उस वहाँ पर आदमी को शूट करता, और अच्छे अच्छे लोकेशन वहाँ पर हैं जो गंगा जी के किनारे, गंगा नदी का किनारा है और वहाँ पर अच्छे लोकेशन, और जो वहाँ के जंगल भी हैं वो भी अच्छे लगते हैं, बाहर के भी आउट लोकेशन बहुत अच्छा है, आउटडोर भी बहुत अच्छा है वहाँ पे, इसलिए लोग शूट करते हैं और हमें भी मजा आया बहुत शूट करने में। वहाँ के जो कल्चर है, जो वहाँ पे सपोर्ट मिलता है कल्चर के लोगों में, थैंक यू बोलूँगा जो गांव के लोगों ने वहाँ पे सपोर्ट किया मेरे शूट टाइम में, हर तरह घर के, मैंने लगा नहीं बाहर शूट कर, मतलब अपने घर में शूटिंग कर रहा हूँ। जी, गानों के बारे में कुछ बताएंगे, कितने गाने हैं फिल्म में? मेरी फिल्म में 8 गाने हैं, 8 गानों में 5 गाना मेरे साथ अंजना सिंह जी के साथ में है और 3 गाने सिकंदर जी और गुंजन पंत जी के साथ में है, और टोटल मेरी फिल्म में 8 गाने हैं और सभी अच्छे गाने हैं। पहला गाना पलंगिया बोला था, वो लॉन्च भी कर दिया गया है, यूट्यूब पे आ भी गया है और सभी लोग उसको देख रहे हैं, अभी एक दिन पहले हुआ, सब बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।